नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? औरंगाबाद से बोल रहा है, पुष्पा मिश्रा। जी पुष्पा, सवाल कीजिए। मेरा ना एड़ी में दर्द है बहुत दिन से, कुछ मतलब दवा खा रहे तो ठीक है, नहीं हो रहा है। पुष्पा कितनी उम्र है आपकी? 35 साल। अच्छा, आप बहुत काम करती हैं क्या? नहीं ऐसा तो मतलब कोई काम नहीं करती, मुझे घर का काम करते ही हैं। अच्छा, पोंछे ओछे का काम जो है वो छोड़ दीजिए आप कुछ दिन के लिए। और वेस्टर्न टॉयलेट है आपके यहाँ की, कुर्सी वाला टॉयलेट? नहीं कुर्सी वाला नहीं है। अच्छा देखिए, अगर कुर्सी वाला टॉयलेट भी लगवा लेंगे ना आप, तब भी आप ठीक हो सकते हैं, बगैर दवा के भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन जिसके भी एड़ी में कमर में दर्द हो उसको ये ज़रूरी है। और एक नुस्खा है बहुत आसान, गोंद आता है एक, गोंद सिया जिसे कहते हैं, काला गोंद इसे कहते हैं, हम लोग अपनी ज़बान में गोंद सिया कहते हैं। ये 100 ग्राम ख़रीद लीजिए, 100-150 ग्राम जो भी आप ख़रीद सकें। नकली बहुत मिलता, असली लेना, कड़वा होता है बहुत ज़्यादा। और ये ऐसा होता है ब्राउन कलर का, इसे कहते सिया है, इसको पाउडर बना लें और चने के बराबर गोलियाँ बना लें इसकी। ये 100-150 ग्राम जो आप ख़रीदेंगे, ये ख़त्म होने से पहले आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाएगा, बस ये उपचार आप आज से ही अभी से अपनाने शुरू कर दीजिए। दर्शकों, एक वीडियो क्लिप बना लीजिए जिससे आप बार बार उसे देख सकें और बार बार आप उन बातों को फॉलो कर सकें जो हकीम साहब अभी आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं। बाकी कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो एक एक बात आप लोग नोट डाउन अच्छे से कर पाएंगे। बाकी आप अपनी रिपोर्ट्स हमारे डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं और अधिक जानकारी और बेहतर ट्रीटमेंट आप लोग जान सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी जी, बताइए, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं रोमा हूँ, मेरा नाम रोमा, मैं हरियाणा से बात कर रही हूँ, हरियाणा तरावड़ी से। जी रोमा, सवाल कीजिए। मेरे ना भी दीदी डायरेक्टर उनके साथ बात करनी है, क्योंकि मैंने पहले भी कॉल किया था, वो बोले भी जो घरेलू नुस्खे पूछे तो बोले भी टीवी में देखते रहो, भी वो टीवी में बताएंगे, ऐसे तो पता नहीं लगता ना। आपको हकीम साहब सुन रहे हैं, आप सीधा उनसे बात कर रही हैं। जी आप अपनी बीमारी बताइए रोमा जी। जी सर, मेरा ना मेरी उम्र 29 साल है। जी ठीक है। तो ना मेरा पेट काफी बढ़ गया। ठीक है। मेरी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि कितना वजन है? वजन मेरा 75 किलो के करीब है। अच्छा, तो लंबाई भी अच्छी होगी, हरियाणा के लोग तो बड़े लंबे लंबे तकड़े तकड़े होते हैं। जी हाँ जी, 5 फीट से ऊपर ही है, 5 से। तो हाँ, तो अच्छी लंबाई है। वजन थोड़ा 5 है, वजन थोड़ा 20 किलो कम कर देते हैं आपका। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, गौर से सुनिए। देखिए, 5 गिलास गर्म पानी पीना है आपको रोजाना, ऐसा गर्म जैसे चाय की तरह पीते हैं ना, चाय की चुस्कियाँ लेके ऐसे 5 बार ज़रूर पीना है। और 1 घंटा पैदल चलना है, ये तो बगैर दवा का नुस्खा है, दवा भी बताऊंगा आपको। और रोज़ाना आपको आधा चम्मच जीरा, जो किचन में आप खाना वाना बनाती होंगे ना जीरा, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, इसे 1.5 गिलास पानी में उबालें, उबलने दें, आधा जल जाए तो इसे पिएं और छान के पिए। और इस मटेरियल को रखें, फेंकना नहीं है, अभी इसमें बहुत जान है। शाम को भी फिर इसको ऐसे ही उबालना है और पीना है। आप अगर ये सारे अमल करती हैं तो 1 महीने में 3 किलो के करीब वज़न कम होगा, जितना कम होना चाहें आप हो सकते हैं। जी हकीम साहब, कोई दवाई इनके लिए? देखिए, दवाई तो ज़रूरत बहुत पड़े तो ले सकते हैं। कैप्सूल एफ केयर भी आता है, एफ फॉर फैट, कैप्सूल एफ केयर भी हम 3 टाइम खाकर अपना वजन कम कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉलर है निशांत, चंडीगढ़ से हमारे साथ, स्वागत है निशांत आपका। हेलो। हेलो जी निशांत, सवाल कीजिए। मैम मेरे ना पेट में दर्द होता है जो कि बहुत दिन से है, और मतलब मैंने बहुत
सारी मेडिसिन ली है बट सही नहीं होता ये, मतलब एक ऐसा पता नहीं लगता है जैसे रात में ही अचानक शुरू हो जाता है और फिर सुबह जाके अगर मेडिसिन लेते हैं फिर सही हो जाता है। उसके बाद हमने अल्ट्रासाउंड कराया, बहुत कुछ कराया, कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद भी फिर भी रहता है पेट में दर्द मेरे। बेटा उम्र कितनी है आपकी? सर मेरी उम्र 22 प्लस है। ठीक है ठीक है, बड़ा अच्छा आपने किया कि आपने सब टेस्ट भी करा लिए ताकि ये ख़त्म हो गई कि क्या बीमारी है। अब मेरी समझ में आती है, जब आप सारे टेस्ट करा लेते हैं तब मेरी समझ में बीमारी आ जाती है, चाहे आप मुझे उसकी रिपोर्ट दें या नहीं दें। देखिए एक इलाज है आपका बहुत अच्छा, और वो ये है कि आप पत्थर बेल तो जानते होंगे, ऐसे खोपड़ी की तरह होती है, गंजा आदमी जैसे होता है, पत्थर बेल या बेल पत्थर कहते हैं, इंग्लिश में कोइट कहते हैं अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो, उसका मुरब्बा मिलता है। पत्थर बेल का मुरब्बा आप आयुर्वेदिक दुकान पे जाकर पूछेंगे तो मिल जाएगा, एक एक पीस 3-4 इंच का, सुबह निहार मुँह यानी खाली पेट खाया करिए पानी के साथ रोज़ाना, 1 किलो खरीद लीजिए, ये ख़त्म होते होते आपका रोग आपसे रुखसत हो जाएगा जी। नेक्स्ट कॉलर हैं चंद्रभान, बिहार से हमारे साथ, स्वागत है आपका। यस मैम, थैंक यू। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम, वही मुझे उसी की दवाई चाहिए थी, शुगर है और हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर है, फिर मेरा नस का ब्लॉक करा है, पैर का नस। जी क्या उम्र है आपकी? जी 53 साल। अच्छा देखिए काफ़ी सारी बीमारियां हैं, मैं तफसील जानना चाह रहा था तो हमारे डॉक्टर से आपको फ़ोन आएगा और वो आपसे पूरी तफसील आपने उसका पूरे डिटेल में बता देना। और थोड़ा सा डिप्रेस भी लग रहे हैं आप, इतनी बीमारियां होती तो आदमी के दिमाग पे असर होने लगता है। फ़िलहाल तो आप एक दवा लें, जैतून का सिरका 2 चम्मच सुबह 2 शाम पानी मिलाकर रोज़ाना पी लिया करें, खाने के बाद रात को और सुबह को, इससे आपकी कई बीमारियां ठीक होंगी और डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा और डिप्रेशन कम होगा। और फिर डॉक्टर के रबते में रहिए, हमारे डॉक्टर फ़ोन करेंगे, आप फ़ोन कर लेना तो उस पर बात करना तो डॉक्टर उठाएंगे, वो आपको पूरी तफसील से बात करेंगे और आपको जो भी वक्त पर मशवरा होगा सही मशवरा देंगे। तो बिल्कुल चंद्रभान जी परेशान अब आपको बिल्कुल नहीं होना है, कार्यक्रम में जितना हो सका हकीम साहब ने आपको यहाँ पे परामर्श दे दिया है, लेकिन आप एक बार हमारी संस्थान में कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको देसी नुस्खे अपनाने हैं, कैसे आप यूनानी पद्धति से जुड़ के धीरे धीरे करके अपनी सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अब आप बिल्कुल भी हताश मत होइएगा क्योंकि विश्वास के साथ आपने इस कार्यक्रम में कॉल किया है, तो विश्वास रखिएगा आपकी हर एक बीमारी दूर हो जाएगी। जैसे कि हकीम साहब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगातार जुखाम की शिकायत होती है, नज़ला उन्हें रहता है, तो ये बीमारी उनको क्यों होती है और देसी नुस्खे क्या हो सकते हैं? हाँ देखिए यही एक ऐसी बीमारी है जो बजाय तो कुछ नहीं लगता है कि नज़ला हो गया तो सबको हो जाता है। जी जी खांसी हो गई तो सबको हो जाती है, खांसी नज़ला सबको होता है लेकिन साल में 1-2 बार। वो लोग जिनको गर्मी में भी नज़ला और छींके आती हैं, सर्दी में भी, बरसात में भी, मतलब कोई मौसम उनसे अगर घर में छौंका लगा तो भी छींक आने लगी, जी अगर जी। किसी ने बघार लगा दिया ज़रा सा, ये लोग जो हैं ये असल में इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है। ये वो लोग हैं जिनमें इम्यूनिटी की कमी है, इम्यूनिटी जिनमें कम होती है वो हमेशा खांसी, नज़ला, बलगम, छींकों से इम्प्रेस रहते हैं। ऐसे लोगों को अपना बहुत एहतियात करें और इसका इलाज है यूनानी में 5-6 महीने का। घरेलू नुस्खे के तौर पर सपिस्तान, उन्नाव, अलसी 100-100 ग्राम लें और 20 ग्राम इसमें पीपलें मिलाएं, पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से लें। गर्म पानी ही अपना जीवन बना लें,
चार पाँच महीने के लिए, और इम्यूनिटी बढ़ाने की सबसे अच्छी कामयाब दवा माजून आर केयर आती है, वो भी सुबह शाम खाकर हम पाँच छः महीने में अपने आप को इम्यूनिटी मुकम्मल कर सकते हैं अपनी। तो बिल्कुल, जिन दर्शकों को इस तरह की कोई बीमारी है कि बिन मौसम उन्हें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी रहती है, तो ये वो लोग देसी नुस्खे अपना सकते हैं, और फिर देखिएगा कैसे आपकी बीमारी धीरे धीरे करके दूर भी हो जाएगी, क्योंकि देसी नुस्खे दर्शकों, यूनानी पद्धति आप लोगों के जड़ पे जाके काम करती है, आपके रोग को जड़ से ख़त्म कर देती है। तो फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रही हैं। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ दिनेश गुप्ता हैं एमपी से, स्वागत है आपका। हेलो जी, बताइए। हेलो सर, मुझे एलर्जी है, कफ की एलर्जी है। कफ निकलता है और कमजोरी भी लगती है, और खाना पीना, जैसे खाना पीना मतलब सेहत को नहीं लगती है। दिनेश साहब, आपकी एज बता दीजिए। 18 वर्ष है। और देखिए, जो बात हम कर रहे थे वो ये बच्चे हैं जिनको एलर्जी, इसको एलर्जिकल अस्थमा भी कहते हैं, और हमारे गाँवों में इसे कहते हैं खून की सर्दी, यानी इस बच्चे का खून ठंडा है या खून की सर्दी। असल में ये इम्यूनिटी की कमी है, इम्यूनिटी जिसमें पूरी होती है उसको ये सब बीमारियां नहीं होती, चाहे वो कितना ही ठंडा पानी पिए, कितना ही बर्फ़ का पानी पिए। और ये तो अगर कितनी भी एहतियात करेंगे, एक हवा का झोंका अगर ठंडा चल गया तो छींके, खांसी, बलगम शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अपनी इम्यूनिटी का इलाज कराना चाहिए। इम्यूनिटी का इलाज देखिए, घरेलू नुस्खा मैंने अभी बताया था, आप सुन रहे होंगे कि सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम लें और 20 ग्राम पीपले मिलाकर पाउडर बनाएं, एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम, गर्म पानी के साथ खाएं। गर्म पानी अपना जीवन बना लें, जब भी पिए गर्म पानी पिए, और खट्टी चीज़ों से बचें। खट्टी चीज़ें जो होती हैं वो सब ठंडी होती हैं, चाहे वो नींबू हो, आम का अचार हो या कुछ भी हो, इन सब चीज़ों से आपको 5-6 महीने के लिए एहतियात करनी चाहिए जी। नेक्स्ट कॉलर हैं धीरेंद्र जी, बिहार से हमारे साथ, स्वागत है धीरेंद्र आपका। जी सर जी, प्रश्न कीजिए। हेलो जी, जी बोलिए, फरमाइए सर। मेरा एड़ी में दर्द होता है। हेलो जी जी जी, और कुछ बोलना। एड़ी में दर्द होता है। दोनों में या एक में? एड़ी में दर्द होता है। नहीं, एड़ी दो होती है ना, उसमें एक में होता है या दो में? जी, एड़ी में सर दर्द होता है। ठीक है, अच्छा। देखिए, एड़ी का दर्द, पिंडली का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ये मोंढे का दर्द, बाजू का दर्द, कोई भी दर्द, जोड़ का दर्द, स्लिप डिस्क का दर्द, जिसको भी ये हो उसे गौंसिया यानी काला गोंद खरीदना चाहिए 100-200 ग्राम, उसको पाउडर बनाएं, कड़वा होता है और नकली भी बहुत मिलता है, अच्छा लेना, असली लेना, और इसकी गोलियां बना लें आधा आधा ग्राम की, यानी चने के बराबर, मटर के बराबर, और एक सुबह नाश्ते के बाद, एक रात को खाने के बाद अगर आप खाते हैं तो ये 100-200 ग्राम गोंद ख़त्म होने से पहले आपको फायदा होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, नमस्कार, स्वागत है आपका जी। लगता है आपसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, फिर से आप प्रयास ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि हकीम साहब, हमने जुखाम, नज़ले की बात तो यहाँ पे कर ली है, कुछ लोगों को सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, इनहेलर का उन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है, उनके बैग में हमेशा ही इनहेलर रहता है, तो क्या इस परेशानी से भी निजात पाया जा सकता है? देखिए, हमारे फेफड़े यानी लंग्स ये हवा लेते हैं बाहर से, ऑक्सीजन जिसे कहते हैं, और उसमें अलग अलग नौइयत है कि आपका सांस क्यों फूला, वजन ज़्यादा है क्या? बिल्कुल।
आपका सांस क्यों फूल रहा, क्या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है? जैसे मैं और आप सांस ले रहे हैं तो अगर हमारे खून में चर्बी होगी उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है, तो ये सांस हमारे फेफड़े ने लेकर और खून में शामिल कर देता है, ठीक है। अगर हमारा खून मोटा होगा यानी चर्बी ज़्यादा होगी तो उतनी ऑक्सीजन खून में शामिल नहीं हो पाती जितनी चाहिए। एक तो ये बीमारी है तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से है, तो कोलेस्ट्रॉल का इलाज कराएं। और अगर आपको वैसे फेफड़े कमज़ोर हैं, कोलेस्ट्रॉल नहीं फेफड़े कमज़ोर हैं, तो फेफड़ों की ताकत का इलाज कराएं। अगर आपको खांसी नज़ला कफ रहता है तो उसका इलाज कराएं, क्योंकि जब कफ से भर जाता है सीना तो भी हमें ऑक्सीजन पूरी हमारे खून को नहीं मिल पाती। तो इन सब का इलाज है, लेकिन हमें पहले उसका जांच कराएं कि वजह क्या है, और वजह समझ में आती है तो उसका इलाज मुमकिन है।